जो आज की जो ये मीटिंग है, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये काफ़ी देर से पहले से हम सोच रहे थे, बट अभी हमें अब टाइम मिला इस बारे में एक मजबूत तरीके से सोचने का। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो लोगों को चुन चुन के इस कमेटीज़ में लाती है, मगर हम काफ़ी देर से ये चीज़ देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और गवर्नमेंट के अपॉइंटेड किए हुए नुमाइंदे हैं उनको गवर्नमेंट जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वो जो मुकाम देना है, वो जो पूछताछ करनी है उनकी, वो नहीं कर रही है। आज हम आपके हवाले से ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हज़ारों सिखों की नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पे, और उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कौम की प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आगे ले जाइए। उसी सिलसिले में आज हमने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनको इकट्ठा किया है। आज हमने एक अपना एक सेटअप बनाया है, ये जितनी भी DGPC कमेटीज़ हैं, ऑल DGPC कमेटीज़ ऑफ कश्मीर, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, और आज से हमने ये एक प्रण किया हुआ है कि तमाम जितनी भी हमारे सिखों के मसाइल हैं वो इस प्लेटफॉर्म से आगे बात की जाएगी। हमने कई बार देखा है कि बहुत से कुछ इदारे ऐसे हैं सेल्फ स्टाइल्ड जो आगे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना पता नहीं है जितना कि हमारे मेंबर्स को पता है। बहुत ही डिफरेंट इलाके से, बहुत ही पहाड़ी इलाकों से, बहुत ही पिछड़े इलाकों से हमारे मेंबर चुन के आए हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। अब जब कोई आदमी कहीं दूर जगह पे दिल्ली, जम्मू या कहीं और बैठा है, उनको ये समझ नहीं आ सकता कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो बड़ी देर से जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो इस बात पे हमें बार बार कह रही थी कि हमारी बातें जो हैं वो सरकार तक सही ढंग से नहीं पहुँच रही हैं। तो आज हमने ये फैसला किया है कि हम ये एक जॉइंट एक कमेटी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की हैं बनाएँ, और जो भी मसाइल हैं इस प्लेटफॉर्म से आगे गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं। और अब हम आज ये गवर्नमेंट को आपके हवाले से ये भी कहना चाहते हैं कि आपका भी फ़र्ज़ है कि जितने भी चुने हुए उम्मीदवार आए हैं ऐसी कम्युनिटी के, या जो हमारी अब ये फोरम बन रहा है, जो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, आपको कोई भी अगर बात करनी है या हमें आपसे बात करनी है, वो हमारे साथ ही की जाए, ना कि खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। देखिए, जम्मू में भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो भी अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारा आपस में काफ़ी अच्छा तावन रहता है, मगर जम्मू के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कश्मीर से टोटली ही अलग हैं। हमारा इलाका अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं अगर बात करूँ, पहाड़ी स्टेटस अभी दिया गया, जब कोई दिल्ली में छुट्टी मनाने आता है वो कहते हैं चलो जी किसी पहाड़ी इलाके में जाएं। मैं तो ये मेरा ये मानना है, चाहे वो मुसलमान भाई हो चाहे सिख भाई हो, वो सारा पहाड़ी इलाके में यहाँ रह रहे हैं, तो खाली एक दो या तीन ही सेक्स को क्यों पहाड़ी स्टेटस दिया गया? मेरी तो डिमांड है पूरे कश्मीर को स्टेटस दिया जाए पहाड़ी स्टेटस। अगर आप हमारे जो सिख कम्युनिटी हैं, जो उनके आप जिस इलाके में वो रहते हैं, अगर आप वो देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह वहाँ रह रहे हैं। वो इतने बड़े दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। गवर्नमेंट ने हमें बहुत नज़रअंदाज किया, हमें इस बात का बहुत दुख है। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें जितना साथ देना चाहिए था उनको, इतना हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने, खासकर कश्मीरी सिखों को। चाहे हम जॉब्स पैकेज की बात करें, अभी माइग्रेंट्स नॉन माइग्रेंट्स के लिए पैकेज आया जॉब पैकेज का, तो उसमें जो हमारे सिख भाई हैं उनको बाहर रखा गया। तो इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि अभी देखिए, ये हमें भी बड़ा अफसोस है कि जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई तो उसमें कई पंडित भाइयों को ये कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। हमें उनका ये उनको जो पैकेज मिला, हमें उस पर भी खुशी है, बट क्या अब कश्मीरी सिख जब यहाँ से जाएंगे तब गवर्नमेंट जागेगी, फिर उनको भी पैकेज दे के बुलाएगी? ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए आज ही से ये माइनॉरिटी जो हम यहाँ हैं हमारा ख्याल रखें। ये हमारे बड़े भाई जो मुसलमान हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो भी ख्याल रखें। हम एक सोशल फैब्रिक है जिसमें एक अलग अलग कलर्स हैं, हम उसका हिस्सा हैं, और
हम सब इकट्ठे हैं और हमें इस जगह, ये कश्मीर जो है ये हमारी मातृभूमि है, हमें इसी में रहना है, यहीं जीना है और यहीं मरना है। हम ये बिल्कुल छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, मगर एट द सेम टाइम हमें अपने हकों के लिए लड़ाई लगनी है। तो आज ये जो हमारा मकसद है वो आपके सुझाने से हम यही कहना चाहते हैं कि एक हमारी पूरी जितने भी हमारे प्रेजिडेंट साहिबान हैं, डिफरेंट कमिटीज़ के मेंबर्स हैं, वो सब यहाँ हाजिर हैं और उन्होंने ये बिल्कुल फैसला लिया है कि आगे से हम अपने जो हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारी कौम है, उनके लिए हम जी जान से काम करेंगे। और हमारा ये एक स्ट्रांग मैसेज मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि वो जब वे बात करें, जब कोई इन्विटेशन दे, वो प्रॉपरली DGPCs को इन्वॉल्व करें ताकि हम उन तक सही ये बातें पहुँचा सकें। जी सर, जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट टू क्लियर इट, यू हैव टॉक्ड अबाउट द मेंबर्स, कैन यू साइट अबाउट हु आर दिस मेंबर्स, ऑन व्हाट पोजीशन दे आर वर्किंग इन द कमिटी एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर एंड व्हाई यू फील दैट यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बाय अपॉइंटमेंट। एवरी डिस्ट्रिक्ट approximately 11 members are elected. Approximately from every district 11 members are elected. So एक body बनती है हर district में, जिसको हम district गुरुद्वारा प्रबंधक committee कहते हैं, जिनका काम होता है जितनी भी हमारे religious जो मसले हैं उन पर ध्यान देना, social मसले हैं उन पर ध्यान देना। पहले, बहुत ज़माना पहले, लोग इसको कन्फाइन रखा था खाली रिलीजियस और सोशल मसलों पर, मगर आज का बच्चा हमारा बड़ा परेशान है, वो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पूछता है, अपने इकोनॉमिकल हालात के बारे में पूछता है, वो हमें अपने पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में पूछता है। तो हमें अब ज़रूरत लग रही है कि जितने भी हमारे मेम्बर्स हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी से है, मान लीजिए एक गांव से अगर 500 वोट हैं और उस बंदे को आए हुए हैं, सो उसको एतमाद है उन 500 बंदों का और वो उस पर उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा मैसेज आगे कैसे पहुंचाएगा। तो इसलिए, क्योंकि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट में बैठे रहते थे तो हमें बाकी जगह की सर, ये किन जॉब्स पे जो है, किन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं जी? मैम, ये बेसिकली तो रिलीजन और दे कम फ्रॉम सम अनदर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग मैम, कि जो ये इलेक्शन होती है जब, तो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम सिख कम्युनिटी, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे कैन कम एंड ज्वाइन एज इलेक्टेड मेंबर्स। तो हमारे इस कमिटीज में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड KS ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो इसमें हमारा में कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदिश नहीं है कि वो आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, नो, ओनली सिख कम्युनिटी, any person who is willing to contribute to the society, okay, especially Sikh society, is always welcome in this committees. To aaj kyunki hame ye badi der se feel ho raha hai, hum nahi chahte hain ki isse pehle ki hum log sab sadkon par aaye, hame ye baat aapke madhyam se kehna chahte hain ki kahin na kahin hamari puri qoum ko ye feel ho raha hai ki nazarandaz ho rahe hain, hota hi nahi hai, ye zulm nahi to aur kya hai। सिंह साहब, अभी आप हुकूक की बात कर रहे थे कि हम हुकूक के लिए जुदुजात करेंगे, क्या क्या हुकूक होंगे आप? देखिए जी, अभी आप रिसेंटली आप देखिए, जैसे पहाड़ी स्टेटस इन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने उसमें हमें बाहर ही निकाल के रखा हुआ। तक मैंने जैसे शुरू में ही कहा, क्या कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है कि नहीं है, आप बताइए। उसके बाद हमारी पंजाबी लैंग्वेज थी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको निकाला गया। जिस कौम से उसकी जबान खींची जाए या ले जाए, उसकी वो कौम ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गुड, तो जब आप हमसे हमारी ज़बान ही छीन रहे हैं तो बनेगा क्या? तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि जी जी हो रही है और बाकी जो देखिए कम्युनिटीज है, तो आपको इग्नोर किया गया, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए हम देखिए जी, अभी जब डिलिमिटेशन प्रोसेस में दो सीटें हमारे पंडित भाइयों के लिए रिजर्व की गई, हम उसका वेलकम करते हैं, तहे दिल से वेलकम करते हैं। गुजरों को दी गई, बाकियों को दी गई, सबका वेलकम करते हैं। क्या जो हम लोग यहाँ इस लास्ट कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं और हमने इस कश्मीर का हर जो उतराव और चढ़ाव देखा है, क्या हम नहीं डिजर्व करते थे? अब देखिए, हमारी एक बड़ी मिनिस्क्यूल सी एक हमारी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी हम हैं इधर, हमारे पास जो वोट बैंक है वो लिमिटेड है, मगर वो वोट बैंक ऐसा है कि जब असेंबली इलेक्शन आएगी वो डिसाइडिंग होगी। आजकल वोट
कोई भी MLA बनता है वो 10-10 वोटों से भी जीता है, 100-100 वोटों से भी जीता है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि अगर हमारा ख्याल नहीं रखा गया, हम इस वोटिंग प्रोसेस में या जो आगे असेंबली इलेक्शंस आएंगी उसमें हम एक डिसिसिव फोर्स बनेंगे और अपना जो वोट है वो बड़ा ही सोच समझ के देंगे और कहाँ देना है ये हमें मालूम है। सर, आपने वोटिंग के बाद में आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अपनी सोशल एस्पिरेशंस के बारे में बताया या सोशल रिक्वायरमेंट्स की सोसाइटी के हवाले से आपने बात की, व्हाई नॉट से कम्युनिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन करती है या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी क्रिएट करती है सो दैट कि उनको अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। कैन यू प्लीज कम अगेन, कैन यू प्लीज कम अगेन। जी, मेरा एक्चुअली सवाल है कि जिस तरह से आपने सोशल एस्पिरेशंस के हवाले से जब बात की अपनी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सोसाइटी में आपकी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये देखिए, जब भी हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं तो इसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हाउ टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी। कैसे एक एक जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है बंदा, जब वो फील करता है कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया, ही फील्स एम्पावर्ड कि वो उसके पास जाए अपना काम कराए। आपने बड़ा अच्छा कहा, अगर ऐसे ही हालात रहे आते जो आने वाली असेंबली इलेक्शन में है उसमें हम अपने बिल्कुल मेंबर्स उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी अपनी बात कह सके। सर, मेरा एक सवाल है।